Hi everyone, welcome back to the channel Focus on Learning. In today's video, we are going to discuss use of wood. आज हम wood के use को discuss करेंगे. इससे पहले हम can, could और may और might के uses को discuss कर चुके हैं. अगर आपने वो video नहीं देखा तो आपको link या तो description में मिल जाएगा या फिर आप I button पर check कर सकते हैं. तो चलिए first rule देखते हैं wood का. Wood जो है will की past form होती है, जिसको हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में यूज करते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच के लिए हम इसका यूज करते हैं. जैसे एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम वुड का इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं. ही सेड दैट ही वुड गो देयर. ठीक है, अगर हम यहां वुड की जगह विल यूज करें, ही विल गो देयर, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा. गलत कैसे होगा? फर्स्ट क्लोज हमारा जब पास्ट में है, ही सेड दैट, तो आने वाला क्लोज भी हमारा पास्ट में ही होता है, ना कि हम उसको प्रेजेंट या फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं. जैसा क्लोज हमारा फर्स्ट होगा, वैसा क्लोज ही हमारा सेकेंड होगा. तो यहां विल नहीं होगा, क्या होगा? वुड होगा. ये था हमारा फर्स्ट यूज, जो हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं विल को छोड़कर वुड का. सेकंड यूज आता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम वुड का यूज करते हैं, जिसकी फॉर्मेशन बनती है सब्जेक्ट वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे Would you help me? या फिर आप लिख सकते हैं Would you lend me 10,000 rupees, please? ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम would का यूज करते हैं. पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो हम could का यूज भी करते हैं, लेकिन could थोड़ा सा रूट हो जाता है. रूट का मतलब थोड़ा सा वो पावर को शो करता है, इसलिए हम वुड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं. जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है तब हम कुड और वुड में से वुड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर बनती है वुड, इसको पूरा लिख देते हैं, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. जैसे एग्जाम्पल है वुड यू हेल्प मी प्लीज, या वुड यू लेंड मी 10,000 रुपीज प्लीज. तो could और would में से जो preferenceable होता है वो होता है would. ठीक है, तो चलिए हम इसका next use देखते हैं. Would is used in the sense of would like to. Would का जो use है वो would like to के sense में use किया जाता है. इसमें जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बनता है सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे एग्जांपल है आई वुड लाइक टू टीच यू. नेक्स्ट हो जाएगा आई वुड लाइक टू प्ले विद यू. आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो. ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल बनाते हैं आई वुड लाइक टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहूंगा. इस वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहूंगा. आई वुड लाइक टू प्ले विद यू, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू ईट, मैं खाना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू प्ले, आई वुड लाइक टू स्टडी. तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं वुड लाइक टू के, जिसका मतलब होता है चाहूंगा. तो जो वुड है वो चाहूंगा की सेंस में भी यूज किया जाता है.
तो अब हम इसके नेक्स्ट यूज को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यूज है वुड का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आप मार्क कर सकते हैं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। वुड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंसेस आफ्टर एडिंग रदर। वुड जो है वो चॉइस और प्रेफरेंसेस के लिए यूज किया जाता है आफ्टर एडिंग रदर। जैसे हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस रदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस दैन। जैसे इसका एग्जाम्पल बनेगा, ही वुड रदर डाई देन बै। ठीक मांगने से ज्यादा अच्छा वो मरना पसंद करेगा। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल बनेगा इसका, शी वुड रदर रीड एन आर्टिकल देन वॉच सीरियल। सीरियल देखने से ज्यादा वह रीड करना पसंद करेगी किसी आर्टिकल को। ठीक है, तो जब हम किसी चॉइस या फिर किसी की प्रेफरेंसेस की बात करते हैं तब हम रादर का जब हम किसी चॉइस की या फिर किसी प्रेफरेंसेस की बात करते हैं तब हम वुड का यूज करते हैं। रादर के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद देन लगाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर बनेगी सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस रादर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस देन। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, ही वुड रादर डाई देन बैग, शी वुड रादर रीड एन आर्टिकल देन वॉच सीरियल। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रूल है वुड का जो हमने अभी डिस्कस किया। अब हम वुड का नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे। देखिए वुड का यूज हम कब करेंगे। वुड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ विश। वुड का यूज हम विश के लिए भी करते हैं। जैसे हम सेंटेंस में आई विश का यूज करते हैं तो हम इसकी जगह वुड दैट का यूज भी कर सकते हैं, जो बिल्कुल सही होगा और यहां से एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए आई विश भी बिल्कुल सही है और वुड दैट भी बिल्कुल सही है, दोनों में कोई भी गलती नहीं है। वुड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ विश, तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी आई विश या फिर वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे वुड दैट आई वर अ बर्ड, इसकी सेंस भी निकलती है काश। ठीक है, तो वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश मैं एक बर्ड होती। तो इसको हम डबल क्लोज में भी बना सकते हैं, जैसे वुड दैट आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, अगर मैं चिड़िया होती, काश मैं एक चिड़िया होती तो मैं आसमान में उड़ पाती। तो इसमें क्या यूज किया हमने, वुड दैट यूज किया। आई विश भी हम यूज कर सकते थे, आई विश आई वर ए बर्ड, आई विश आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो दोनों सेंटेंसेस, दोनों वर्ड हमारे लिए बिल्कुल सही हैं और यहां से एरर आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए इस रूल को आप याद रखेंगे। अब हम वुड का नेक्स्ट यूज देखते हैं। वुड इज यूज्ड विद द कंडीशनल सेंटेंसेस। वुड का हम यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। जैसे इफ को अगर हम सिंपल पास्ट के साथ यूज करते हैं
तो स्ट्रक्चर बनती है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वुड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, इफ यू वेंट देयर ही वुड टीच यू, अगर तुम वहां जाते तो वह तुम्हें पढ़ाता। इफ यू वेंट देयर ही वुड टीच यू, ये हमारा सिंपल पास्ट के साथ है। जब हम सिंपल पास्ट में इफ का यूज करते हैं तो कैसे बनता है, लेकिन अगर इसी में हम पास्ट परफेक्ट में यूज करें इफ का, तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, चलिए उसको देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास्ट सेंस को शो करता है और पास्ट परफेक्ट और ज्यादा पास्ट यानी कि मोर पास्ट को शो करता है, तो उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो चलिए अब हम उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। यहां जब हम इफ का यूज पास्ट परफेक्ट के लिए करते हैं, तब हमारी स्ट्रक्चर बनती है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये हमारी स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर द क्रिमिनल वुड नॉट हैव रन अवे। इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर द क्रिमिनल वुड नॉट हैव रन अवे। अगर पुलिस थोड़ी देर पहले आई होती तो क्रिमिनल वहां से भाग नहीं चुके होते। तो इसमें हम हैड का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज करेंगे। हैड हमने यूज किया और उसके साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की, देन हम सब्जेक्ट वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज की, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज किया। ये भी एक ये मोर पास्ट को शो करता है जो लगभग इमेजिनरी होता है, ये बस उसी को बताता है। जैसे अगर तुम पढ़े होते तो तुम एग्जाम को पास कर लेते, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है, जब टाइम था तब आप पढ़े नहीं, तो अगर आप पढ़े होते तो आप एग्जाम को पास कर लेते। जैसे इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास द एग्जाम, ठीक है। तो हम इस तरह से इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं जो एक तरह से इमेजिनरी है, काल्पनिक है। अब इसकी स्ट्रक्चर एक तरीके से और बनती है जब हम उसको इमेजिनरी कह सकते हैं। तो चलिए उस स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। उस टाइम हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर और उसके एग्जांपल को भी अभी हम डिस्कस करें। देखिए, जैसे दो स्ट्रक्चर लिखी हुई है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये यहाँ वी टू ही है यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इफ आई वर इन प्लेस ऑफ यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट से सो, तो मैं ऐसा नहीं कहता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं कहता। इमेजिनरी सेंटेंस है, मोर पास्ट में है। जैसे एक स्ट्रक्चर ये भी है इसकी, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, हैड द स्टूडेंट्स स्टडीड ऑनेस्टली दे वुड हैव सक्सीड, अगर बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ाई की होती तो वे सफल जरूर होते। तो ये दो सेंटेंस हैं जिसे हम इमेजिनरी शो करते हैं, इनसे हम मोर पास्ट को शो करते हैं, ये बिल्कुल काल्पनिक है। तो चलिए वुड का अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल आता है, पास्ट
हैबिट को बताने के लिए, ठीक है। अब पास्ट की हैबिट को बताने के लिए दो चीजें यूज की जाती हैं, एक तो है यूज्ड टू और एक आता है वुड, ठीक है। स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें भी स्ट्रक्चर यही बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे आई यूज्ड टू प्ले, ही वुड गो देयर, बिल्कुल सही है। ही यूज्ड टू गो देयर भी हम यूज कर सकते हैं, हमने वुड ही क्यों यूज किया। यहां हम आई वुड प्ले भी यूज कर सकते हैं, तो यूज्ड टू और वुड में क्या डिफरेंस है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है इसमें, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए सेंटेंस देखिए ध्यान से, मैं इंग्लिश पढ़ा करता था, मैं इंग्लिश रोज पढ़ा करता था, मैं घूमने जाया करता था, मैं रोज घूमने जाया करता था, या फिर मैं कभी कभार घूमने जाया करता था। तो दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है, मैं इंग्लिश पढ़ा करता था, या फिर दूसरा सेंटेंस है मैं इंग्लिश रोज पढ़ा करता था, मैं मंदिर जाया करता था, मैं रोज मंदिर जाया करता था। तो दोनों सेंटेंसेस में क्या है, डिफरेंस है। इस वाले सेंटेंस में हम कुछ वर्ड्स को ऐड करते हैं, ये एडिशनल होता है, और इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करते। जैसे मैं मंदिर जाया करता था, तो उसमें हम यूज्ड टू यूज करेंगे, और जब मैं कहूं कि मैं रोज मंदिर जाया करता था, तो हम उसमें वुड का यूज करेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वुड के साथ यूज किए जाते हैं, जैसे समटाइम्स, ऑफन, ऑफ्टन भी इसको बोल सकते हैं और ऑफन भी इसको बोल सकते हैं, ऑलवेज, सेल्डम, डेली, एवरीडे, और एक वर्ड आता है यूजुअली। देखिए इन दोनों को तो हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल एवरीडे, तो इनको हम सेंटेंस के बाद यूज करते हैं, और इन वर्ड्स को हम वुड के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यूज करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, वुड और फिर ये सारे वर्ड्स, इनमें से जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे आई वुड ऑलवेज गो टू टेम्पल, आई वुड समटाइम्स गो टू मार्केट, आई वुड ऑलवेज गो टू टेम्पल, वुड के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यूज किया, वुड के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यूज किया, और एक सेंटेंस ले लेते हैं, आई वुड गो टू स्कूल डेली। हमने क्या यूज किया, डेली को हमने सबसे लास्ट में यूज किया, ठीक है। तो यही डिफरेंस है इन वर्ड्स में और इनमें, इनको हम लास्ट में यूज करते हैं और इन सबको हम कब यूज करेंगे, वुड के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। अब देखिए एरर इतना इजी तो पूछेगा नहीं, ये है सिंगल क्लोज, एरर आता है डबल क्लोज से। अब डबल क्लोज कैसा होगा, ये सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस बोलने में सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ये सेंटेंस गलत है। वुड के यूज के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो हम इसको बोल सकते हैं बिल्कुल सही है, लेकिन जब एरर पूछा जाता है तो एरर में इस सेंटेंस को बिल्कुल गलत माना जाता है। एरर में सिंगल क्लोज के लिए एरर नहीं पूछता, वो डबल क्लोज के लिए एरर पूछता है। अब डबल क्लोज को फॉलो करने के लिए तीन स्ट्रक्चर हमारे पास हैं। अब उन तीनों स्ट्रक्चर को हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। एक बात और, ये सेंटेंस आपके लिए बिल्कुल सही है अगर आप इसको बोलते हैं, लेकिन जब आप एरर फाइंड आउट करते हैं तो इसके साथ आपको डबल क्लोज यूज करना होता है। जैसे जब मैं लखनऊ में थी तो मैं डेली मंदिर जाया करती थी, या फिर मैं कहीं भी था तो मैं वहां कोई काम किया करता था, उसके साथ हमें डबल क्लोज यूज करना होता है। तो एग्जाम में हमारे लिए डबल क्लोज से एरर आती है, ना कि इतने छोटे छोटे सेंटेंसेस से। तो उसकी हम तीनों स्ट्रक्चर को उसके एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे।
देखिए ये तीन स्ट्रक्चर हैं जब हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले हमें ये यूज करना होता है। इसको यूज करने के बाद ये तीन तरीके हैं, इसके बाद आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें हमने यूज्ड टू यूज किया है तो हम इसको बोल सकते हैं रेगुलर। ये रेगुलर कोई वर्ड है जो आपको लर्न करने में हेल्प करेगा। जब कोई भी रेगुलर सेंटेंस हो जिसमें कोई एडिशनल वर्ड ऐड ना हो, हम कोई भी वर्ड ऐड ना करें, तब हम यूज करेंगे यूज्ड टू का। जब हम कोई वर्ड ऐड करते हैं तो उसको हम बोल देंगे इररेगुलर। ये आपको सिर्फ लर्न रखने के लिए है, ये आपको लर्न रखने के लिए वर्ड दिए गए हैं रेगुलर इररेगुलर, और ये हमारे टेंस के अकॉर्डिंग है तो इसको बोल सकते हैं हम नॉर्मल। ठीक है, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे व्हेन आई वाज इन लंदन आई यूज्ड टू टेक टी विद ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो इसको हमने यूज किया यूज्ड टू के साथ, तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। अब इसी सेंटेंस को यूज करते हुए हम इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जैसे व्हेन आई वाज इन लंदन आई वुड sometimes take tea with breakfast। इसमें हमने क्या यूज किया, sometime यूज किया। कोई वर्ड हमने एक्स्ट्रा यूज किया तो उसको हम बोल देंगे इरेगुलर। ये आप याद रखने के लिए यूज कर सकते हैं, रेगुलर है इरेगुलर है। जो कोई नॉर्मल सेंटेंस है हम उसमें यूज्ड टू का यूज करेंगे, कोई इररेगुलर है जिसमें हमने कुछ वर्ड्स को ऐड कर दिया है वुड के साथ, वो हम इररेगुलर के फॉर्म में याद रख सकते हैं। और जो हम सिंपली टेंस को फॉलो करके यूज कर रहे हैं उसको हम एक नॉर्मल की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे व्हेन आई वाज इन लंदन आई टुक टी विद ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ये तीन स्ट्रक्चर है जो अभी मैंने आपके सामने डिस्कस की। कभी भी सिंगल क्लोज नहीं पूछेगा आपसे, कभी भी सिंगल क्लोज नहीं पूछेगा, हमेशा क्वेश्चन डबल क्लोज से आएगा। जो सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करने के लिए आता है वो कभी भी सिंगल क्लोज के लिए नहीं आता, वो डबल क्लोज के लिए आता है। बोलने में सिंगल क्लोज बिल्कुल सही है लेकिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सिंगल क्लोज बिल्कुल गलत है। कॉन्सेप्ट क्या है ये, इसके बाद हम तीन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपके साथ उनके एग्जांपल्स को डिस्कस किया। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।